वासुदेव शास्त्री RSC ऑनलाइन क्लास में YouTube में आपका स्वागत है। और आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संधि, और उसमें संधि में चल रहा है अपना प्रकरण जो आपको अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट मैंने आपको इससे पहले कुछ कराया था, नेक्स्ट जो क्लास थी पिछली वाली क्लास उनमें जो कुछ कराया उनसे आपको कुछ हटके कराया जाएगा विशेष प्रकार से, आपको ऐसा लगे कि यार हमको कोई चीज़ याद ना करनी पड़े। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने से पहले नमो नमः। देखिए आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा गुण संधि। देखिए गुण संधि जो टॉपिक है अपना, इसमें क्या है आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि अपन जब सुबह प्रेयर करते हैं या हनुमान चालीसा का जाप करते हैं या उसका पाठ करते हैं, तो क्या कभी कोई उनको याद करने के लिए नहीं कहता है आपसे? कोई कहता है क्या? नहीं कहता है, लेकिन वो हमें याद हो जाता है। इसका कारण क्या है कि हम उसको बार बार, हम डेली प्रतिदिन उसके अभ्यास में लेते हैं। ऐसे ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं आपको ये यूट्यूब पर अपना जो प्रकरण करा रहा हूँ, इसको आप कुछ मत करना, केवल इसको आप बार बार अवलोकन करो, इसको बार बार देखो। बस 3 से 4 बार देखने के बाद आपको संधि में कहीं प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए आज अपना टॉपिक है गुण संधि, और इसका हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सूत्र। गुण संधि विधायक सूत्र। गुण संधि विधायक सूत्र का मतलब होता है कि जो गुण संधि का विधान करता है, क्या करता है? विधान। विधान बोले तो अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? कर्ता। यानी कि जो गुण संधि को करने वाला है, कि जिसकी सहायता से इस संधि को किया जाएगा, उसका है सूत्र कौन सा? आदगुण। सूत्र क्या है? आदगुण। यानी कि यह जो सूत्र है यह हमारा है गुण संधि विधायक सूत्र। क्या है? गुण संधि विधायक सूत्र। अब हम बात करते हैं कि भाई इसको हमें इस संधि में फॉलो कैसे करना है। तो इसको फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हिंदी अर्थ मान लीजिए। हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ के लिए हमें क्या करना है, आपको मैं सामान्य भाषा में बता देता हूं बोल करके, कि यदि मान के चलो पूर्व पद के अंत में, देखो अपन जब भी संधि करते हैं तो उसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। इसको दूसरा नाम क्या है? पर पद। पर पद यानी पर माने बाद वाला, पर माने बाद वाला, यानी कि इसके दो पद होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। अब हमें करना क्या है इसमें, तो हमें यह देखना होता है कि इस पूर्व पद में और उत्तर पद में होती है हमेशा संधि। क्या होती है? संधि होती है हमेशा। तो हमें यह देखना है कि पूर्व पद में क्या आए, जैसे आ या आ जाए, और उत्तर पद में क्या है, ई या ई आ जाए, तो इनको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। आया समझ? तो हमें ध्यान रखना है कि पूर्व पद में ए या आए और उत्तर पद में ई या छोटी या बड़ी ई आए तो वह गुण हो जाता है। कैसे होगा? इन दोनों को और इन दोनों को मिलाएंगे तो यह हो जाएगा गुण। आया? तो इस प्रकार से गुण हो जाता है। तो अब हम आपको बात करना चाहेंगे थोड़ा सा इसकी सारणी के हिसाब से, कि हमें इसको सारणी से कैसे समझना है। ठीक है, यहां तक गुण संधि विधायक सूत्र हो जाएगा अपना आदगुण, और इसका हिंदी अर्थ मैं आपको अब बता रहा हूँ। और संधि विच्छेद करते समय दो पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए और यहाँ केवल आप गुण संधि के विषय में आपको बताया जाएगा। एक बार मैं आपको ओरल बोल रहा हूँ, यदि पूर्व पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में ए ह्रस्व ए या दीर्घ आ हो और उत्तर पद में ई या बड़ी ई हो तो उनके स्थान पर गुण हो जाता है। तो मैं आपको एक सारणी बना रहा हूं। देखो जैसे मान लीजिए सामान्य सारणी, सामान्य सारणी, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो जैसे हमने इसको यहां लिखा पूर्व पद, इधर लिख दिया उत्तर पद। अब हमें इसमें करना क्या है कि ये देखना है कि हमें इसको कैसे फॉलो करना है। तो देखो जैसे हमने लिखा यहां ए या आ प्लस ई या, तो इन दोनों के स्थान पर देखो, अब ये आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए बेटो
कि सर ये तो छोटा है ये बड़ा है, ये छोटी है ये बड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए किसी पिता के दो संतान हैं, कितनी, दो संतान, और वे दोनों संतान क्या हैं, दोनों लड़के हैं, क्या हैं, लड़के। एक पिता के दो लड़के हैं, एक का नाम राजेश और एक का नाम सुरेश। अब तुम यो बताओ मुझे कि जब इन दोनों को इनका पिता अलग होने पर इनको अपनी अचल संपत्ति में से जो कुछ बांटेगा या उसका बंटवारा करेगा, तो क्या इस बड़े को और इस छोटे को, क्या ये छोटे बड़े को अंतर करेगा, बताओ। ऐसा देनी कि भाई बड़े को तो 2 लाख रुपए दे दिए, छोटे को 1 लाख रुपए दे दिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ संस्कृत व्याकरण होता है कि यहाँ छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ समानता देखी जाती है स्वरों की। तो यहाँ ये दोनों स्वर क्या हैं, एक दूसरे के, ये दोनों स्वर आपस में समान हैं। चाहे देखने में आपको हर्ष लग रहा हो लेकिन इसका इसका मतलब एक ही है। क्योंकि इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं कि आपने देखा होगा कि जब हम इनका विधान करते हैं तो इनके विधान के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, यानी कि संस्कृत में उच्चारण स्थान के आधार पर भी शब्दों वर्णों का संस्कृत व्याकरण में उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान के द्वारा वर्णों का विभाजन किया जाता है। तो यहाँ आ और ई और ई, इनका उच्चारण स्थान क्या है, जैसे देखो अकह अकुह विसर्ज विसर्जनीय कंठ, यानी कि अकुह अ, यानी कि इस अ का मतलब ए और आ, और कु माने कवर्ग क ख ग घ और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इन सभी का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जिनका उच्चारण स्थान एक हो, अर्थात मेरा मतलब आपको वहां से जोड़ने से है कि जब एक ही माता पिता की दो संतान हैं तो उनका दोनों का ही अधिकार समान होता है। इसी प्रकार जब ए और आ समान हैं, इनका उच्चारण स्थान एक स्थान से हो रहा है कंठ से, तो इनका भी समान है, अर्थात ये भी दोनों समान हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए यहां अब इन दोनों को अपन योग करते हैं, इस प्रकार से मैच करते हैं, मिलान करते हैं, तो इन दोनों के मिलान करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुण। और गुण में क्या आएगा, गुण में आ जाएगा इधर साइड में ए, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे ही हमें सभी का करना है, जैसे इधर नंबर 2 अ या आ हो प्लस छोटा उ या बड़ा ऊ, इसको अपने अपनी भाषा में संस्कृत बोलते हैं ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। तो अब इनको दोनों का मिलान करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ, आया समझ में। ऐसे ही इधर देखो एक बार 1, 2 और 3 यहाँ पर करते हैं अ या आ प्लस री, इनका अपन जब योग करते हैं, इनका अपन जब योग करते हैं, इस प्रकार से मिलान करते हैं तो यहाँ हो जाएगा अर, समझ रहे हो। और अगर यहाँ इसका चौथा लास्ट बचता है, जैसे अ या आ प्लस नरी, इस प्रकार से अपन जब करते हैं तो इनका जब इनको हम गुण गुण करते हैं, अर्थात इनका हम मिलान करते हैं तो बन जाएगा अल, ये प्रकार से होता है सिस्टम, आए समझ में। तो कहने का मतलब एक तो ये सारणी दी है आपकी, इसको आप नोट कर सकते हो, बिल्कुल सरल भाषा में है, ये छोटा हो चाहे बड़ा हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये छोटा हो बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सभी का उच्चारण स्थान एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इनके उदाहरण जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये तो एक सारणी इसकी हो गई। ठीक है, और दूसरी सारणी में अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब उदाहरण देखो थोड़ा सा आपको,
अब आपको मैं उदाहरण कराने जा रहा हूँ, एक बार देख लो। और इसकी मैं आपको एक बिल्कुल सरल सारणी बनाऊंगा, अगर चाहें तो आप देखो। जैसे मान लीजिए इधर आ आ प्लस प्लस इस प्रकार से आप ध्यान रखना, नंबर दो बराबर ओ, नंबर तीन या आ प्लस ह्रस्वरी या दीर्घरी बराबर आर, इसी प्रकार चौथा ह्रस्व अ या दीर्घ अ प्लस लरी बराबर। एक बात ध्यान रखना कि जो लरी है ना, लरी केवल ह्रस्व होती है, दीर्घ नहीं होती है, इसलिए एक ही होती है, ठीक है। तो अब देखो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, आपकी एक सारणी बनकर तैयार हो गई। हो गया तैयार? तो अब आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कोई भी बच्चे को, ठीक है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इसको कर देंगे हम पूर्वपद, इसको कर देंगे उत्तर पद। ये आपकी सारणी तैयार हो चुकी बन करके। अब इनमें से ये हो पूर्वपद के अंत में, चाहे ये हो उत्तर पद में, ये हो चाहे ये हो, तब भी हमको क्या आदेश हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आदेश। तो ये आपकी हो गई सारणी तैयार, ठीक है। अब मैं इसी सारणी के आधार पर आपको पूरा उदाहरण कराता हूँ, आप बहुत आराम से आनंदित करोगे। बस आपको मैंने ये बोल दिया कि कुछ नहीं करना है, केवल इस वीडियो YouTube को बार बार देखना, बस बार बार देखने से आपको सारा कुछ शंका समाधान क्लियर हो जाएंगे और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब इसके उदाहरण देखो, ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। मैं अब आपको उदाहरण लिखना चाह रहा हूँ, देखो। जैसे मैं लिखा सुरेंद्र, क्या लिखिया, सुरेंद्र, ये सुरेंद्र हो गया, तो इसका हो जाएगा सुर प्लस इंद्र। अब सुर प्लस इंद्र हो गया, तो अब इसमें र में क्या है, अ, र में क्या है, अ। एक उदाहरण आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूं, उसके बाद आप करना। अब देखो ये अ, ये तो अ और ये ई, दिख रहा है पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ई। तो जब आ और ई मिलेंगे दोनों, जब आ और ई दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहां ये अपना सुर रहेगा और यहां बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, क्यों ई का इसमें आ गया। तो अब इसको मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा, सुरेंद्र। तो ऐसे आपको समझना, क्योंकि जो ए ए था वो किस मिल गया, रेम मिल गया, तो बन गया सुरेंद्र। आया समझ में, सुर प्लस इंद्र, सुर ए निकाल लिया आपको समझाने के लिए, इंद्र सुर ए इसमें मिल गया बराबर सुरेंद्र। तो मैंने आपको बताया कि दो वर्णों के बीच में संधि होती है, यहाँ दो वर्ण, ये केवल देख लो, इधर अ है इधर ई है, ऐसा नहीं कोई तीसरा वर्ण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको संधि समझना है। देखो ये नियम लागू हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तो मैं जो आपको सूत्र लिखा है ये अपना बिल्कुल नॉर्मल सूत्र है, आप हमारे द्वारा बना हुआ सूत्र है, वासुदेव शास्त्री, सूत्र का नाम है वासुदेव शास्त्री। तो ये इस प्रकार से आपका सीधा हुआ। अब इसी प्रकार से आपको हम बहुत कुछ उदाहरण कराएंगे, देखो ये हो गया क्लियर। तो ये जो उदाहरण था अपना कैसा था, ये जो उदाहरण था आपका बिल्कुल सरल भाषा में आपको मैंने बता दिया है, अब आपको फटाफट से करना। देखो ये जो मैं आपको करा रहा हूं, ये करा रहा हूं आपको कौन से वाले, ए या आ प्लस ई या ई बराबर ए, इसके उदाहरण हो रहे हैं, ठीक है।
नंबर एक। अब उदाहरण देखो फटाफट से, जैसे कि अब अपन कर लिया गजेंद्र, क्या है गजेंद्र, गज प्लस इंद्र। अब इसको और इसमें क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा गजेंद्र, ठीक है। ऐसे ही अपन कर लिया नरेश, क्या है नरेश, तो नर प्लस ईश, ईश मान लेता स्वामी, नरों का स्वामी नरेश। तो अब देखो इधर और इधर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, तो नरेश, समझ आया। इसी प्रकार देखो जैसे महेंद्र, क्या है महेंद्र, महा प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा, इसको और इसको मिलाएंगे दोनों को, तो बन जाएगा महेंद्र। तो आपको इस प्रकार समझना है, जैसे और इसमें काफी है, जैसे आपने लिख दिया तथिति, क्या है तथेति, तथा प्लस इति, तथा प्लस इति, तो बराबर क्या बन जाएगा, समझ आ रहा है ना। इस प्रकार से आपको उदाहरण करने, इनमें कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल केवल ध्यान रखना है कि जहां एक मोटी पहचान सुन लो, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके बीच में या तो ए होगा या ओ होगा, ऐसे शब्द जिनके बीच में या तो ए होगा या ओ होगा, इन शब्दों में होती है गुण संधि। अब देख लो ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ आ रहा, नहीं आ रहा, मेरी बात समझ गई ना, कि जहां आपको सब कुछ दिख रहा है, देख लो ए के उदाहरण करा रहा हूं मैं, तो ए आ रहा है। ऐसे शब्द जिनके बीच में, जिनका बीज के वर्ण में कौन सी मात्रा होनी चाहिए, ए की मात्रा, तो वो कहलाते हैं गुण संधि सूत्र, गुण संधि उदाहरण के, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अब इसके बाद अपना काम चलता है अगला, अगला नेक्स्ट उदाहरण अपना है, इसमें अपन यह क्या करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है, यहां डालना दो संख्या, यहां हो जाएगा ऊ या ऊ, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको देखो, जैसे हमें क्या करना है, यहां लिख दिया सूर्योदय, क्या लिख दिया सूर्योदय, इंपॉर्टेंट संधि है, खूब आती है, बार बार आती है, हम उसे हमेशा आती रहती है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। अब हमें क्या करना है कि इस सूर्य में, यह में से क्या निकाल लें, हम आ प्लस उदय। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया है, इसमें और इसमें हम क्या करेंगे, संधि, और इनका जब मेल करेंगे तो हमारा रूप बन के आ जाएगा क्या, ओ। मैंने आपको पहले बता दिया, साफ साफ लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ओ, तो यहां हो जाएगा सूर्य ओ प्लस दय। भाई ये दय क्यों आया है, दय ये क्यों आया, क्योंकि ऊ और ए तो मिलके ओ बन गए, तो इस प्रकार से ये हो गया, तो अब बन जाएगा क्या, ये से मिल जाएगा सूर्योदय, ये बन गया सूर्य, स्पष्ट। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, हम इनको इतना तरीके से घुमाएंगे जैसे कि एक 360 डिग्री कोण होता है ना, इस प्रकार से, कितने का 360 का, इसी के इर्द गिर्द घूमना है हमें, ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, बस केवल, और इसी के घूमते हुए हमको सारी संधियाँ, सारा समास, सारे प्रत्यय, सबको इसी प्रकार घुमा देंगे, ज़्यादा नहीं टेंशन लेने का है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, सिंपल भाषा में। तो अब आपको शायद मैं जानता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे आगे देखो उदाहरण और, तो इसी प्रकार से आपको सरल भाषा में इनको याद करना है। जैसे उदाहरण देखो नरोत्तम, क्या है नरोत्तम, नरोत्तम, तो इसका संधि विच्छेद क्या, जैसे नरोत्तम, और मैं उदाहरण लिख रहा हूं आपको परोपकार,
नरोत्तम, परोपकार, और जैसे मान के चलो आप उदाहरण ले लो महोत्सव, ऐसे उदाहरण है। तो अब इन्हें हमें क्या करना है, इन उदाहरणों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि गंगोदकम, इंपॉर्टेंट गंगोदकम, इन उदाहरणों को समझ लो आप एक बार। जैसे देखो अब हमने क्या करना है, नर प्लस उत्तम, नर प्लस उत्तम, हाँ नरों में उत्तम। अब क्या करना है, इसमें और इसमें रे में क्या मिला हुआ है, छोटा अ ह्रस्व, तो इनका जब अपन मेल करेंगे तो बन जाएगा ओ, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो बराबर नरोत्तम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, यहाँ अ और यहाँ उ, बराबर क्या बन जाएगा, परोपकार। क्लियर है ना। इसके बाद महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, अब देखो क्या करना है, आ और उ बराबर, आ और उ बराबर बन जाएगा महोत्सव, महोत्सव। इसके बाद गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम बराबर क्या बन जाएगा, गंगोदकम। तो आपको इस प्रकार से इनको हल करना है। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, नहीं है ना, नोट करो बिल्कुल सरल भाषा में। समझ आ गया, इसी प्रकार से आपको ये करना है। देखो और उसके बाद चलिए, क्लियर। इसके बाद देखिएगा अगला, तीसरा, तीसरा जो है वो कौन सा आएगा अपना, ये इसमें कुछ नहीं करना है, केवल तीसरे में क्या करना है आपको, थोड़ा चेंज करना बिल्कुल जरा सा। जैसे देखो यहां करना है रिया, री बराबर क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर। अब देखो क्या होगा, यहां बिल्कुल सेम उदाहरण इसी प्रकार से, जैसे मान के चलो हमने उदाहरण लिखा महर्षि, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, हमेशा आता रहता है, क्या है महर्षि, ये हो गया तीसरी स्टेज, क्या है महर्षि, क्या है महर्षि। तो महर्षि का क्या करना है, महा प्लस ऋषि, अब हमने इतना कर दिया, लेकिन इसको आगे क्या करना है, आगे करने के लिए हम अब करते हैं क्या, कि इसमें क्या है आ और इसमें क्या है री, ये थोड़ा सा जटिल है इसलिए आपको मैं स्पष्ट करता हूं, इसमें हमें क्या छुपा हुआ है दीर्घ आ और इसमें री, तो अब हमें क्या करना है, देखो इसमें से म ह और आ को स्पष्ट अलग कर दिया है और इधर अपने कर दिया री, इस प्रकार से। तो अब आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, इधर आ है और इधर री है, जब इन आ और री का हम क्या करते हैं, वर्ण संयोग करते हैं अर्थात इनका मेल करते हैं, तो मेल करने पर इनके सामने जो स्थिति आएगी वो एक निकल के आएगी, क्या आर, क्या आएगा आर। और अगर यहां दूसरा कर देते, एक ध्यान रखना, मैं आपको एक उदाहरण के साथ साथ मैं वृद्धि संधि का समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपको कभी भ्रमित ना हो पड़ना पड़े, जैसे प्राच्छति, क्या है ये प्राच्छति, ये कौन सी संधि चल रही, अपनी गुण संधि चल रही है, लेकिन ये संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। तो इसमें क्या बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझना है क्योंकि गलती ना हो, प्र प्लस ऋच्छति, क्योंकि आप वहां भी ऐसी गलती कर दोगे। तो देखो कंडीशन लगभग सेम है, इधर भी आ ए कोई आ जाए नो प्रॉब्लम, इधर ऋषि इधर ऋच्छति, लेकिन एक शर्त है, कि इसकी शर्त है, किसने ये कहा हुआ है कि अगर मान लीजिए मेरा प्रथम पद, मेरा प्रथम पद क्या होना चाहिए, उपसर्ग इस्त, उपसर्ग
स्थिर। यानी कि कहने का मतलब इसका ये हुआ कि जो मेरा प्रथम पद होगा वो क्या होगा, उपसर्ग वाला होना चाहिए, और इसने क्या कहा है, पद होना चाहिए। क्लियर स्थिति, यहां पद होना चाहिए, यहां उपसर्ग होना चाहिए। यानी कि मेरा मतलब आपसे ये हुआ कहने का कि यहां जो ये निकाल रहा हूं मैं आपको, प्रेम ऐसे हमने क्या दिया, रे निकाल दिया और इधर ए निकाल दिया, तो ये जो कह रहा है कि जो पूर्व पद है वो ए जो आएगा ना वो किसका होना चाहिए, विसर्ग, उसका उपसर्ग का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, उपसर्ग का। अगर उपसर्ग का होगा तो मैं क्या कर दूंगा, वृद्धि कर दूंगा। आया, इसने बोला है अगर मान लीजिए मेरा जो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर मान लीजिए उपसर्ग का है, किसका है, उपसर्ग का, तो देखो ये जो रैनिक ए निकला हुआ है कहां से निकला हुआ है, प्रे उपसर्ग में से, प्रे क्या है, उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी वृद्धि, और वृद्धि में क्या होता है, आर, और गुण में क्या होता है, आर। ये समझना है, क्लियर, ये आपको विर्मित नहीं होना है कि प्रे प्लस रिच्छति, हाँ वहां प्रच्छति नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है, सॉरी ये प्रच्छति नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, ये अंतर इसमें बस खाली, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपको तुलनात्मक अध्ययन कर रहा था, इसको भूल जाओ और आप सीधे कहां जाओ, गुण संधि पर। तो अर हो गया, अब इसको क्या करना है, मैं देखो मह अर प्लस सी, अब देखो इस है को पूरा किसने कर दिया, इसने कर दिया, और ये सी तो ऑलरेडी पहले सही है, और ये रे कहाँ चल जाएगा, ये रे इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपको एक नियम बताया था मैंने, ध्यान होगा कि जब कोई प्लास्टिक की वस्तु को पानी में डालते हैं तो वो क्या करती है, ऊपर तैरती है, और मान लीजिए कोई लोहे की वस्तु डालते हैं तो डूब जाती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इस रे में इस वक्त इस समय कोई भी स्वर नहीं है, और स्वर रहित व्यंजन का कभी भी क्या नहीं होता है, उच्चारण नहीं होता है, वह किसी न किसी की सहायता से ही बोला जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो रह था इसकी रह सी की इस सी से घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए क्या कहा इसने कि यार मैं तेरे साथ रह लूंगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं अकेला था, कोई महत्व है नहीं, और कहते कि संगठन में सकती है, तो इसलिए क्या कर तू मेरे को अपने साथ रख ले, तो इसने क्या कर दिया, इस रा को क्या कर लिया, इसने अपने साथ रख लिया, और रूप बन गया महर्षि। स्पष्ट, कोई दिक्कत किसी को, समझने में कोई प्रॉब्लम, तो ये इस प्रकार से रूप बनता है। ऐसे ही जैसे मान के चलो, उदाहरण इसमें दे रखे अपन के, जैसे कृष्ण नदी, कृष्ण नदी, कृष्ण की, अब इसका संधिवेद क्या हुआ, देखो कृष्ण प्लस रिद्धि, इस प्रकार से कृष्ण प्लस रिद्धि। अब हमें क्या करना है, वही स्थिति दिखानी है आपको, यहां चाहे मैंने आपको पहले बताया था, यहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण चाहे ह्रस्व ए हो चाहे दीर्घ आ हो, हमें अंतर नहीं करना है, क्लियर है ना, क्योंकि यहां क्या आएगा, छोटा आ है, यहां री है, अब इन दोनों को मिलाते हैं तो रूप बन जाता है हमारा आर, क्या बन जाएगा, आर बन गया। आर बनने के बाद क्या करेंगे, कृष्णरदी बन जाएगा। एक बार मैं आपको बता चुका हूं कि जब स्वर रहित कोई वर्ण होता है उसे हल कहते हैं, हल वर्ण कहते हैं, और हल वर्ण का बिना स्वर के उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए ये किसी की संयोग से ही बोले जाते हैं, इसलिए इसने क्या, इसका संयोग ले लिया और ये बन गया कृष्णरदी। यहां तक कोई दिक्कत, इसके बाद आप और विरूप याद कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने लिख रखा है वसंत ऋतु, है ना, तो आपको इस प्रकार के रूप भी याद करने हैं, सॉरी वसंत ऋतु, क्या हो जाएगा इसका, वसंत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, ऐसे। अब ये री का रे हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि हलंत है, इसलिए। तो इस प्रकार से आपको ये उदाहरण याद करने हैं और आपको इनको समझना है, ये प्रक्रिया बिल्कुल सेम होगी जैसे इसमें किया है, ठीक है। तो इसके बाद इसका एक और बचता है लास्ट स्टेज इसकी,
चौथी वो आपका है क्या, यहां री और री था और इसको हटाने के बाद हम क्या कर देंगे, यहां लिरी कर देंगे बस, और यहां हो जाएगा अल। क्या हो जाएगा? अल। अब हमें उदाहरण क्या देना है इसका, इसके बस नॉर्मल से नॉर्मल उदाहरण, बिल्कुल दो ही उदाहरण इसके, ज्यादा नहीं है और ऐसे आते भी नहीं, कम से कम आते हैं। ज्यादा आते हैं कौन से? री वाले। कौन से आते हैं? री वाले उदाहरण। तो अब इसमें जैसे हो जाएगा तबलकार, उदाहरण दे रहा हूं आपको तबलकार, तबलकार। अब इसका संधि विच्छेद होगा तव प्लस लिकार, ठीक है साहब। अब हमें करना है क्या, इसमें कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सामने लिखा हुआ है। देखो जो मैंने लिखा है वो नियम अगर लागू है, नहीं हो रहा है, फॉलो हो रहा है ना, कहीं भी बिना नियम के एक भी कुछ काम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपको पहले ही साफ लिख दिया है कि आपको इस नियम के हिसाब से चलना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, और अगर सिस्टम से नहीं चलोगे तो आपको हमेशा समस्या आएगी। जैसे मान के चलो आप डेली डेली पढ़ते हो लेकिन केवल एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो क्या आपकी परसेंटेज बन जाएगी, क्या आप पास हो जाओगे? नहीं हो सकते। तो हमारा सिस्टम क्या है, सबको लेकर चलना चाहिए। तो ऐसे ही हमें दोनों पक्षों को देखना है, इधर तो आ है और इधर री है। आपको लिरी से मतलब री, मैं आपको अलग करता हूँ एक बार, तब मैं इधर आ, इधर आ, अब यहाँ इस ले, अब ले में क्या है, री है, और यहाँ कार हो जाएगा। अब क्या करना है, इस ए को ले लेते हैं, इस री को ले लेते हैं, तो बन जाएगा यहाँ अल। क्या बन जाएगा? अल बन जाएगा। इन दोनों का जब संयोग करते हैं, मेल करते हैं, तो बन जाता है अल। और अल का जो ये ए है, ये तय बना दो, जो कहते हो इसको दे पूरा कर देगा, और इधर कार बच गया। अब देख लो ये अधूरा है, तो ये किसका संयोग लेगा, इस कार का लेगा, कार में आ जाएगा, तो बन जाएगा तबल कार, ये बन जाएगा। ऐसे ही एक उदाहरण और देख लो, उपलकार यति, उपलकार यति। अब इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, उप प्लस लिकार यति। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या है अ, भाई हम क्या करते हैं कि जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण होता है, अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण यहाँ पा में से क्या निकालेंगे अ, और यहाँ लिरी, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी, और जब संधि हो जाएगी तो रूप बनेगा अल, और अल बनने के बाद वो प्रक्रिया जो ऊपर से करते हैं उप लकार यति, ये बन जाएगा रूप। तो ये आपका जो गुण संधि थी, इस प्रकार से आपको याद करना है।